बिहार की राजधानी पटना के फेमस खानसर जाएंगे जेल। खानसर पर हुआ आरआरबी एनटीपीसी के दंगा भड़काने का मुकदमा दर्ज। खानसर ने दी सफाई, लेकिन सफाई से आरआरबी ने काला निचाला। जो आपको बता दें कि अब पूरी तरीके से खानसर को निशाने पर लेते हुए आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों का उग्र आंदोलन को लेकर के खानसर पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, जिसके साथ 6 टीचरों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। गया की बात कर ले, पटना की बात कर ले, या बात कर ले बक्सर और तमाम इलाकों की, तो अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन किया गया। छात्रों का उग्र होता धरना प्रदर्शन आगजनी के स्थितियों तक जा पहुंचा। लेकिन इसके साथ सरकार को जहां सोचना चाहिए था, वहीं छात्रों को सरकार ने भी भड़का दिया। छात्र अपने मौलिक अधिकार के लिए जब सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस दौरान छात्रों का उग्र प्रदर्शन नहीं था, वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब जहां पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों को पीटा जाने लगा, उस वक्त जहां पूरी तरीके से खान सर ने इसे कंट्रोल में लेने की कोशिश की। खान सर पटना के फेमस टीचर है और उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि खान सर जहां जलते आग में घी डालने का कार्य किए। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि खान सर ने बकायदा बच्चों को नियंत्रण में करने के लिए और जहां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने किसी भी तरीके की प्रोटेस्ट ना करने की अपील की थी। बच्चों से खान सर ने यह निवेदन किया कि आप प्रोटेस्ट ना करें, आपका प्रोटेस्ट अब दूसरी निशाने की ओर जा रहा है, आपका धरना अब दूसरी ओर जा रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के द्वारा रोटियां सेके जाने की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी खान सर लगातार घिर गए और खान सर के साथ 5 टीचरों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों को भड़काया, बहलाया, फुसलाया और वह आगजनी के लिए ऐसे मजबूर किए। हालांकि फिलहाल तो मुकदमे ही दर्ज हुए हैं, लेकिन खान सर की गिरफ्तारी कब होगी यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन खान सर इस मुकदमे को लेकर के उन्होंने पहले ही किया है कि डीएम जो है पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वह पूरी तरीके से बता चुके हैं कि खान सर ने पटना के लिए क्या कुछ किया, पटना को किस तरीके से उन्होंने शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए प्रदर्शन किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर धरना पर उतर जाऊं तो छात्र ही नहीं हमारे साथ आम जनता भी उतर आएगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। इसके साथ आपको बता देते हैं कि लगातार उग्र होता आंदोलन को देखते हुए जहां केंद्र सरकार के मंत्री जी हाँ रेलवे मंत्री कुछ समय बाद आए और उन्होंने यह बातों को रखा कि रेलवे में हुई तमाम हलचलों को इस पर कार्रवाई की जाएगी, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब तमाम बच्चों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन यही चीज आप 2 दिन पहले कर दिया गया होता जब राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हल्ला हुआ, तो शायद इतना ज्यादा रेलवे को क्षतिग्रस्त नुकसान का सामना ना करना पड़ा होता।